Hello kids, welcome back. I'm Vandana and we are learning Science of Class 3 by Brain Root series. And here's the book, Science Spark. Today we are going to start chapter number 7 and the name is Parts of a Plant. So yes children, in this chapter we are going to learn about the different parts of plants. So we are going to learn about the roots and the shoot, which is the stem. So let's start with the warm-up exercise. Number the stage of growth of plant in the correct order. So यहाँ पे plant के कुछ stages दिए गए हैं, कैसे वो grow करते हैं, जैसा कि हमने last chapter में पढ़ा था, you have to number them accordingly. तो सबसे पहले हमने seed डाला, उसमें से roots निकले, फिर थोड़ा सा shoot निकला, and then वो बड़ा होके एक plant बन गया. We see various types of plants around us. हमारे आसपास बहुत सारे तरीकों के plants दिखाई देते हैं. Plants may be of different shape and size, but they are made up of similar parts. Plants भले ही अलग अलग shape और size के हों, लेकिन इनके जो parts हैं वो similar होते हैं, एक जैसे होते हैं. Each part plays an important role in helping the plant to live and grow. जितने भी parts हैं वो काफ़ी ज़्यादा important role play करते हैं, help करते हैं plant को grow करने में. The parts of the plant which grow below the soil is called root. Plant का वो part जो मिट्टी के अंदर होता है उसे हम root कहते हैं. And the part which grows above the soil is called shoot, जिसे हम stem कहते हैं. वो पार्ट जो मिट्टी के ऊपर होता है उसे हम शूट कहते हैं. द शूट ऑफ द प्लांट बियर्स द ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट. ये जो शूट पार्ट होता है, यहाँ पे आपको लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स और ब्रांचेस, ये सब चीज़ें मिलेंगी. सो ये यू कैन सी, मिट्टी के अंदर वाला पार्ट इज द रूट सिस्टम एंड मिट्टी से ऊपर वाला पार्ट इज द शूट सिस्टम. लेट्स लर्न अबाउट द रूट्स. सो रूट्स आर मेनली ऑफ टू टाइप्स. रूट्स जो है दो तरीके के होते हैं, टैप रूट एंड फाइबरस रूट्स. ये दो तरीके हैं जिन तरीके के रूट्स होते हैं. सो देर आर टू टाइप्स इन विच वी कैन कैटेगराइज दीज रूट्स. पहला आता है आपका टैप रूट. सो इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल थिक रूट फ्रॉम विच स्मॉल रूट्स ग्रो. ये क्या होता है, एक सिंगल थिक रूट होता है. ये देखिए, आपको सिंगल रूट दिख रहा है जिसमें से छोटे छोटे रूट्स निकल रहे हैं. सो ये है हमारा टैप रूट. प्लांट्स लाइक बीन्स, मस्टर्ड एंड हिबिस्कस हैव टैप रूट. ये जो प्लांट्स हैं इनके जो रूट हैं वो टैप रूट होता है. नेक्स्ट आता है आपका फाइबरस रूट. सो इट कंसिस्ट ऑफ मेनी टाइनी थिन एंड बुशी रूट्स. इसमें बहुत ही छोटे छोटे बुशी मीन्स घने रूट्स आपको दिखाई देंगे. तो आप देख सकते हो एक में से कितनी सारी जड़ें ऐसे निकल निकल के आ रही हैं. तो ये क्या है, फाइबर के समान होते हैं, इसलिए इसे फाइबरस रूट कहा जाता है. तो जैसे कि कोई ग्रास हो गया, वीट है, अनियन है, इन सब का जो रूट होता है वो फाइबरस होता है. नाउ लेट्स लर्न अबाउट द फंक्शंस ऑफ रूट. क्या क्या फंक्शंस हैं, रूट का क्या काम है. सो रूट अब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल. रूट क्या करता है, पानी में से न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करता है. और रूट्स अब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल. रूट्स क्या करते हैं, जो सॉइल है उसमें से न्यूट्रिएंट्स और वाटर को अब्सॉर्ब करता है. इट एंकर्स द पार्ट ऑफ द प्लांट टू द सॉइल. ये क्या करता है, एज एन एंकर काम करता है. एंकर का काम क्या होता है, किसी भी चीज़ को स्पेसिफिक जगह पे होल्ड करके रखना. तो ये जो है एज अ एंकर काम करता है, मींस प्लांट को सॉइल में एक जगह पकड़ के रखता है. इट सपोर्ट्स द स्टेम. ये स्टेम को भी सपोर्ट करने का काम करता है. इट स्टोर्स फूड इन प्लांट सच एज कैरेट. अब कुछ प्लांट्स हैं जिनके रूट पार्ट में आपको फूड मिलेगा, तो ये क्या करता है, फूड को स्टोर करता है कुछ प्लांट्स में, जैसे कि कैरेट हो गया, बीट रूट हो गया या फिर रेडिश हो गया. इट इज़ यूज फॉर प्रोपगेशन. इसे प्रोपोगेट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है. सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ रूट. नाउ लेट्स लर्न अबाउट द शूट विच इज द स्टेम पार्ट. सो चिल्ड्रेन, शूट इज अ पार्ट ऑफ द प्लांट ग्रोइंग अबव द सॉइल. सो वो पार्ट
प्लांट का जो मिट्टी के ऊपर उसे हम शूट कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ द स्टेम, इसमें स्टेम होता है, लीव्स होते हैं, बड्स होता है, फ्लावर होता है और फ्रूट पार्ट होता है। अब पहला है स्टेम। सो द स्टेम इज द मेन पार्ट ऑफ द शूट, ये जो है ये काफ़ी ज़्यादा मेन पार्ट होता है शूट का। एंड इट हैज़ मैनी इम्पॉर्टेंट फंक्शन, इसके बहुत सारे इम्पॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। अब क्या क्या है फंक्शन स्टेम के, लेट्स सी। स्टेम क्या करता है, प्रोवाइड करता है सपोर्ट किसको, लीव्स को, फ्लावर्स को, फ्रूट को, इन सबको पकड़ के रखता है। इट कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट टू लीव्स, स्टेम का जो दूसरा काम है वो वाटर और मिनरल्स को रूट से बाकी जो प्लांट के पार्ट्स हैं उन तक पहुंचाता है। इट इज़ यूज टू स्टोर फूड, ये फूड को भी स्टोर करके रखता है। स्टेम विच आर ग्रीन इन कलर मेक फूड जस्ट लाइक द लीव्स, सो वो स्टेम का पार्ट जो ग्रीन कलर का होता है वो भी खाना बनाने का काम करता है जैसे कि लीव्स करते हैं। अब किस किस तरीके के स्टेम होते हैं, काइंड्स ऑफ स्टेम में हम पढ़ेंगे। सो अ कोरिएंडर प्लांट हैज सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम, अगर हम कोरिएंडर मीन्स धनिए की बात करें तो उसका जो स्टेम है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट और ग्रीन होता है। ट्रीज लाइक शीशम एंड नीम हैव वेरी हार्ड थिक एंड वुडी स्टेम, अब जो ट्रीज़ हैं जैसे कि शीशम हो गया या फिर नीम हो गया, इनका जो स्टेम है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है, थिक मीन्स मोटा होता है और वुडी होता है, एंड इसे हम ट्रंक कहते हैं। सम प्लांट्स हैव वेरी थिंग एंड वीक स्टेम, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनका जो स्टेम है वो काफ़ी ज़्यादा थिन मीन्स पतला होता है और कमज़ोर वीक होता है। सच प्लांट्स रिक्वायर सपोर्ट टू ग्रो, और ऐसे प्लांट्स को क्या चाहिए, सपोर्ट चाहिए ग्रो करने के लिए। दे आर कॉल्ड क्लाइंबर्स, ऐसे प्लांट्स को क्लाइंबर्स कहा जाता है। बोगनविलिया एंड मनी प्लांट आर क्लाइंबर्स, तो ये जो बोगनविलिया है या जो मनी प्लांट है इन्हें हम क्लाइंबर्स कहते हैं। द स्टेम ऑफ पोटैटो अनियन जिंजर ग्रो बिलो द सॉइल, लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनका स्टेम जो है ग्राउंड के नीचे ग्रो करता है, जैसे कि पोटैटो हो गया, अनियन हो गया, जिंजर हो गया, इन सब का जो स्टेम पार्ट है वो मिट्टी के नीचे आपको मिलेगा। दे आर कॉल्ड अंडरग्राउंड स्टेम, इन्हें हम अंडरग्राउंड स्टेम कहते हैं। दे स्टोर फूड, वी ऑल्सो ईट दीज स्टेम, ये क्या करते हैं खाने को स्टोर करते हैं और हम इन स्टेम्स को खाते हैं। तो आप देख सकते हो आपके सामने कोरिएंडर, नीम, बोगनविलिया एंड पोटैटो प्लांट। नेक्स्ट पार्ट इज लीफ, अब हम पढ़ेंगे लीफ के बारे में। सो द लीफ ऑफ इज द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट ग्रोज आउट ऑफ द स्टेम, सो ये जो लीफ है ये पार्ट है प्लांट का जो स्टेम से निकलता है। इट हैज सेवरल पार्ट्स, अब इस लीफ के भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। अ लीफ हैज अ ब्रॉड प्लांट पार्ट कॉल्ड द लीफ प्लेट, तो ये जो लीफ है आप देख सकते हो यहाँ पे इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं। अब ये देख सकते हो ये जो चौड़ा सा पार्ट है लीफ का इसे हम लीफ ब्लेड कहते हैं, और लैमिना, इसे लैमिना भी कहा जाता है। इन द मिडल ऑफ द लीफ इज द मेन वेन, अब ये जो बीच की जो डंडी जा रही है इसे मेन वेन कहा जाता है, जो क्या करता है पानी और बाकी न्यूट्रिएंट्स को लीफ के सारे पार्ट्स तक पहुंचाता है। द नंबर ऑफ स्मॉल वेन्स ब्रांच आउट ऑफ द मेन वेन, अब आप देख सकते हो छोटे छोटे यहाँ पे लाइनें, आपको छोटी छोटी आपको यहाँ पे लाइनें दिख रही हैं जो इस लीफ से निकल के जा रही हैं, इन्हें हम साइड वेन्स कहते हैं। क्या है ये साइड वेन है, तो बीच में है मिड वेन और ये साइड साइड में जा रही है इन्हें साइड वेन कहते हैं। ये जो कोने का हिस्सा है लीफ का इसे हम लीफ प्लेट कहते हैं। The veins carry water to the leaf. अब ये veins क्या करती हैं water को leaf तक पहुँचाती हैं। The tip of the leaf is called leaf tip. और ये जो tip है इसे हम leaf tip कहते हैं। The lower side of the leaf has many tiny pores. आप leaf को आप उल्टा करके देखेंगे तो उसका जो नीचे का हिस्सा है उसमें बहुत ही छोटे छोटे आपको pores दिखाई देंगे जिन्हें हम stomata कहते हैं। एयर एंटर्स द लीफ थ्रू द स्टोमेटा, और ये लीव्स कैसे सांस लेते हैं, इस स्टोमेटा की मदद से लेते हैं। सो स्टोमेटा हेल्प करता है लीव्स को सांस लेने में। नाउ लेट्स लर्न अबाउट द फंक्शंस ऑफ लीव्स, ऑफ लीव्स के क्या क्या फंक्शंस हैं। सो ग्रीन लीव्स आर कॉल्ड द किचन और फूड फैक्ट्री ऑफ अ प्लांट, ये जो हरे हरे पत्ते होते हैं ना इन्हें
प्लांट का किचन कहा जाता है। जैसे आपके घर में किचन होता है ना, जिसमें आप खाना बनाते हो, मम्मी खाना बनाती हैं, वहाँ पे आपको अच्छा अच्छा खाना बना के आपको ला के देती हैं, तो ऐसे ये जो ग्रीन लीव्स हैं ये क्या हैं, प्लांट के लिए एज अ किचन काम करती हैं, तो इसे किचन भी कहा जाता है प्लांट का, और फूड फैक्ट्री भी कहा जाता है, बिकॉज दे प्रिपेयर फूड फॉर द होल प्लांट, पूरे प्लांट के लिए खाना बनाती हैं। लीव्स हैव अ ग्रीन कलर सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल। लीव में ग्रीन कलर का एक सब्सटेंस होता है जिसे क्लोरोफिल कहा जाता है। इट ट्रैप्स सनलाइट, वो क्या करता है, सनलाइट को इकट्ठा करता है ताकि जो लीफ है अपना खाना बना सके। लीव्स गेट वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर। लीव्स क्या करते हैं, पानी को और वाटर जो है सॉइल में से ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एयर में से ले लेते हैं। दे यूज कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड टैप्ड सनलाइट टू मेक फूड। अब लीव्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो उन्होंने हवा से ली, पानी जो उन्होंने मिट्टी से ली और सनलाइट जो उन्होंने सूरज से ली, तीनों को इकट्ठा करके वो अपना खाना बनाते हैं, और इस पूरे प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फोटोसिंथेसिस। सो वाइल्ड मेकिंग फूड लीव्स गिव आउट ऑक्सीजन। अब जब लीव्स अपना खाना बनाते हैं तो बनाते हुए वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन निकलता है। ऑल लिविंग थिंग्स इंक्लूडिंग प्लांट्स ब्रीद इन ऑक्सीजन। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हो या फिर कोई और हो, वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ब्रीद इन करते हैं जिंदा रहने के लिए। स्टोमेटा ऑन द लीफ हेल्प द प्लांट टू ब्रीद। जो स्टोमेटा होता है लीव्स में, वो प्लांट को हेल्प करता है सांस लेने में। लीव्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स लाइक कैबेज एंड स्पिनच स्टोर फूड। अब जो लीव्स होते हैं कुछ अलग अलग तरीकों के प्लांट्स के, जैसे कि कैबेज हो गया या स्पिनच हो गया, जैसे पालक कहते हैं, कैबेज मीन्स पत्ता गोभी, ये क्या है, ये फूड को स्टोर करते हैं क्योंकि हम इन प्लांट्स का लीफ वाला पार्ट खाते हैं। वी ईट दीज एज वेजिटेबल्स, और इन प्लांट्स को हम एज अ वेजिटेबल खाते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू टेस्ट योर स्किल्स। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, हमें उनके एग्जाम्पल देने हैं। सो अ प्लांट विथ टैप रूट, ऐसे एक प्लांट का नाम बताइए जिसका जो रूट है वो टैप रूट होना चाहिए। तो चलिए लिखते हैं हिबिस्कस। नेक्स्ट, अ प्लांट विथ अ थिक स्टेम, जिसका जो स्टेम है वो काफी ज्यादा थिक है, तो लिख देते हैं चलिए मैंगो। रूट दैट स्टोर्स फूड, ऐसा रूट बताना है जो फूड को स्टोर करता है, सो इट इज कैरेट। अ स्टेम दैट स्टोर्स फूड, ऐसा स्टेम जो फूड को स्टोर करता है, सो इट इज पोटैटो। सो दीज आर द आंसर चिल्ड्रन। Now let's learn about the flower, fruit and seed. अब हम flower, fruit और seed के बारे में पढ़ेंगे। So flower is the main, most beautiful and odorful part of the plant. So flower क्या है, ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर part है plant का, और odorful means खुशबू से भरा हुआ part है। Most flowers have a sweet smell. जितने भी plants होते हैं उनके जो flowers होते हैं, ज़्यादातर flowers के जो smell है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। Most flowers grow into fruit. ज़्यादातर जो flowers हैं वो fruit बन जाते हैं। Fruits have many seeds. और ये जो fruits हैं इसमें बहुत सारे seeds होते हैं। So you here you can see flowers grow from small bud on the stem. तो एक छोटा सा कली रहती है और कली फिर बड़ा होके एक बड़ा सा फूल बन जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे एक pomegranate का flower है। अब वो फ्लावर धीरे धीरे फ्रूट में कन्वर्ट हो रहा है और धीरे धीरे ये फ्रूट बन गया और आपके सामने पॉमीग्रेनेट आ गया है। मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स हैव सीड्स इनसाइड देम। ज्यादातर जो फ्रूट्स होते हैं ना उसमें आपको सीड्स मिलेंगे, बीज मिलेंगे। सो अ मैंगो हैज ओनली वन सीड, मैंगो में सिर्फ एक सीड होता है। एप्पल हैज अ फ्यू सीड, एप्पल में थोड़े बहुत सीड्स मिलेंगे। अ पपाया हैज मैनी सीड्स, और पपीते में आपको बहुत सारे सीड्स मिलेंगे। सो सीड्स आर प्रोटेक्टेड इनसाइड द फ्रूट, ये जो सीड है वो आराम से फ्रूट के अंदर प्रोटेक्टेड फॉर्म में होते हैं। न्यू प्लांट्स मोस्टली ग्रो फ्रॉम
सीड्स, ये जो नए प्लांट्स हैं वो सीड से बनते हैं. एवरी सीड हैज़ अ बेबी प्लांट इनसाइड इट, जितने भी सीड होते हैं ना सबके अंदर एक बेबी प्लांट होता है. व्हेन द सीड गेट्स इनफ वाटर एयर एंड सनलाइट द बेबी प्लांट स्टार्ट ग्रोइंग. सो जब भी सीड को काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में पानी मिलता है, एयर मिलता है, सनलाइट मिलता है, तो जो बेबी प्लांट है वो बाहर आने लग जाता है. तो आप देख सकते हो सीड में से कैसे धीरे धीरे प्लांट जो है ग्रो होता जा रहा है. दिस प्रोसेस ऑफ अ न्यू प्लांट ग्रोइंग फ्रॉम अ सीड इज कॉल्ड जर्मिनेशन. सो इस प्रोसेस को, सीड से एक बड़ा प्लांट बनने वाले प्रोसेस को हम जर्मिनेशन ऑफ अ सीड कहते हैं. नाउ चिल्ड्रन, डू यू नो दैट द सीड दैट वी कैन ईट आर कॉल्ड एडिबल सीड्स. ऐसे कुछ सीड्स हैं जिसे हम खा भी सकते हैं, उन्हें हम एडिबल सीड्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हम राइस के सीड्स को खाते हैं, हम ग्रेन्स के सीड को खाते हैं, हम राजमा जिसे हम किडनी बीन्स कहते हैं उनके भी बीजों को ही खाते हैं. द सीड दैट वी डू नॉट ईट आर कॉल्ड नॉन एडिबल सीड. ऐसे सीड जिसे हम नहीं खा सकते हैं उन्हें हम नॉन एडिबल सीड्स कहते हैं. जैसे कि वी डू नॉट ईट द सीड ऑफ एप्पल एज दे आर पॉइजनस. तो एप्पल के सीड को हमें नहीं खाना चाहिए क्योंकि वो पॉइजनस होते हैं. हाउ आर प्लांट्स यूजफुल टू अस. अब प्लांट्स हमारे लिए यूजफुल कैसे हैं. सो प्लांट्स आर वेरी यूजफुल टू अस, दे गिव अस मैनी थिंग्स. प्लांट्स हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वो हमें बहुत सारी चीज़ें देते हैं. अब क्या क्या देते हैं प्लांट्स, क्या हैं, आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड. ये फूड का प्राइमरी सोर्स है, मीन्स कोई भी आपका जो चेन होता है, फूड वेब होता है, वो क्या होता है, प्लांट से ही स्टार्ट होता है. द रूट ऑफ अ प्लांट होल्ड टुगेदर सॉइल पार्टिकल्स. जो रूट होते हैं प्लांट के वो सॉइल को इकट्ठा पकड़ के रखते हैं एंड प्रिवेंट विंड और वाटर फ्रॉम कैरिंग अवे द सॉइल. और क्या करते हैं, विंड को और पानी को रोकते हैं उस फर्टाइल सॉइल को कहीं और ले जाने से. प्लांट्स हेल्प टू ब्यूटिफाई आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास की जगह को सुंदर बनाने का काम करते हैं. प्लांट्स रिमूव सम ऑफ द हार्मफुल कार्बन डाइऑक्साइड दैट पोल्यूट एयर. प्लांट्स क्या करते हैं, जो हार्मफुल कार्बन डाइऑक्साइड उसे रिमूव करने में हेल्प करते हैं जो एयर को पॉल्यूट करता है. दे गिव आउट ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन देते हैं जो कि हम ह्यूमंस और एनिमल्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सर्वाइव करने के लिए. नाउ लेट्स मूव ऑन टू टेस्ट योर स्किल्स. टेस्ट योर स्किल्स में आपको क्या करना है, यू हैव टू लेबल द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट. तो यहाँ पे एक प्लांट है जिसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को आपको लेबल करना है. तो यहाँ पे बॉक्सेस दिए गए हैं, आप उनमें लेबल करिए. सो डू दिस एज योर होमवर्क, दिस इज टू बी डन बाय योरसेल्फ. नाउ लेट्स मूव ऑन टू फ्लैशबैक. प्लांट्स हैव टू मेन पार्ट्स, द शूट एंड द रूट. The tap root and fibrous roots are the two main kinds of roots. Root fix the plant to the soil and absorb water and salt. The stem support the plant and carries water and food. Flowers change into fruits. Most fruits have seed inside them. Now let's move on to new words. So the first word is tap root. Tap root kya hai? It is a root in which small thin branches grow from the main root. Now, next comes fibrous root. These are the roots in which several roots of different sizes, अलग अलग तरीके के different different sizes के roots आपको मिलेंगे, bunched together at the base of the stem. Next comes trunk. Trunk is the main stem of the tree. Veins are the tubes running through the leaves. Germination is the process of development of a new plant from a seed. Now, let's move on to book exercise, children. Here the first exercise is check the correct option. So the part of the plant that helps to fix it in the soil is stem, flower, root or fruit. So it is root. The kitchen of the plant. Plant ka kitchen kya hai? Leaf, fruit, flower or root. So it is leaf. So like this, children, do the rest two questions yourself. Now let's move on to fill in the blanks with the correct words. So here the first question is a dash consists of single and thick root. Ek hi root hota hai aur thick hota hai. So it is tap root.
So let's write here, tap root. A dash consists of many thin and bushy thick roots, so it is fibrous root. So let's write here, fibrous roots. In the middle of the leaf is the dash vein, so it is the main vein. So like this, children, do the rest two questions yourself. Now let's move on to write true or false for the following statements. So root of a plant grow under the ground. Yes, true. A banyan plant has a very hard stem. Yes, true again. The leaf fixes the plant to the soil. Leaf kya plant ko soil se fix karta hai? False. So like this, children, you have to do the rest two questions yourself. Now let's move on to the exercise, which is answer the following questions. What is shoot? So shoot is the upper part of the plant which is above the ground. So the part of the plant which is above the ground or soil is called the shoot. Next, what is root? Root is the part of the plant that is below the ground. So it is below the ground. Now the next question is, state the function of a stem. Why are leaves called the food factories of the plant, and define germination. So these three questions, children, are your homework. Do them yourself. So children, with this the chapter is over. I'll be meeting you soon with a new video. Till then, stay tuned and thanks for watching.